अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TRK न्यूज़ की नशरियात में आपका खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ शाफिर रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे कौमी तहकीकती एजेंसी के हवाले से। नाज़रीन, NIA की जानिब से आज दौलत अली मुग़ल, वल्द सैयद रहमान मुग़ल, साकिन शाली भट्टा, मनीगाम कुपवारा के गैर मनकूलिया अराजी 3.5 मरले और 5.5 मरले टोटल 9 मरले जब्त की गई, जबकि इस हवाले से मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सीनियर लीडर जावेद हकीम ने आज ज़िला शोपियान के तहसील किलर के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इलाकों में बर्फबारी और तालाबारी से हुए नुकसान का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उनका क्या कुछ कहना था, एक नज़र। कंधे पर पानी का मटका लेके आए हैं और अपने ये जो बागात है इनके लिए दवाई करते हैं, वो भी इन्होंने जो दवाई वगैरह है वो भी इन्होंने इस साल भी कर्जा लिया है व्यापारियों से या दुकानदारों से। तो इनको यही उम्मीद थी कि हार्वेस्टिंग के टाइम, फ्रूट हार्वेस्टिंग के टाइम में तो ये फ्रूट बेच देंगे तो कर्जा भी उतर जाएगा, लेकिन इनसे मैंने बात की है, इनका यही कहना है कि इनको यही भरोसा है कि इस बार भी हमारा जो ये कर्जा है, लाइफ लॉन्ग कर्जा जो है, ये इस बार भी नहीं उतर जाएगा। इस ज़मन में मैंने ये सोचा कि मैं एंटायर डिस्ट्रिक्ट का दौरा करूँगा। मैंने द्रंगनार से लेकर कैलर तक, कैलर से लेकर वया करेवा, शादाब, द्यूपोरा, दक्षिण हिरपोरा, गतिपोरा और ये जो विहल छठवाटा, नवगाम, की गाम, जो शिरमाल या वाटू, जो हमारा बटमारा वहाँपोरा, गुजर बस्तियाँ जो भी है एंटायर डिस्ट्रिक्ट में, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हो या शेड्यूल ट्राइब बरादरी हो, मैंने ये तखमीना किया है कि मतलब एंटायर डिस्ट्रिक्ट में ये नुकसान है, इस नुकसान का तखमीना होना चाहिए। और जो लोगों को इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, जब एब्रोगेशन ऑफ 370 ख़त्म होने के बाद इनको जो उम्मीदें थीं वो आज तक पूरी नहीं हुई है। अलबत्ता मैं गोश गुजार करना हूँ LG इंतज़ामिया और खसूसन डिप्टी कमिश्नर साहब शोपियान को, अपने कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब की वसादत से, कि लोगों को मतलब जो बाज़ार की हाइक है वो दिन ब दिन बढ़ती है, इनको इस KCC लोन और दीगर मतलब KCC लोन माफ़ कर होना चाहिए, और जो दीगर मतलब चीज़ें हैं बाज़ार में जिनके ऊपर बहुत हाइक है, इसको कंट्रोल करने के लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की मौजूदगी में आज खसखस के बुरे असरात के बारे में एक आगाही प्रोग्राम चलाई गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ऐसे एक है ये नशा मुक्त भारत का जो चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे नौजवान बच्चे जो है वो इस वक्त किस तरह से इस दवाई की लत में पढ़ रहे हैं, या इसी तरह से किस तरह से दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स जो चल रहे हैं, किस तरह से जो कम्युनिटी लैंड है वो खाई जा रही है, सरकार की लैंड खाई जा रही है, इसमें इनका बहुत ज़रूरी था इनको थोड़ा सा इसके बारे में बता देना। तो इसके लिए हमें आगे सबको मिलकर चलना चाहिए, इसको एक मुहिम की तरह लेना चाहिए, ताकि हम इस बिद्दत को अपने समाज से हमेशा के लिए दूर रखें। सर, क्या ये ड्राइव आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा? इंशाल्लाह ये ड्राइव आज भी जारी है, जारी था भी, थोड़ा कम चल रहा था, लेकिन इंशाल्लाह इससे ज़्यादा इसमें शिद्दत आ जाएगी, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स में भी, और जो ये ड्रग के बारे में जो चल रही है मुहिम, इसके बारे में भी इससे भी ज़्यादा शिद्दत इसमें आ जाएगी। सर, आखिर में लोगों की तरफ से कैसे रेस्पॉन्स में रहा सर? बहुत ही कोऑपरेटिव है, सारे लोग बहुत बड़े कोऑपरेटिव है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुदगर्ज अरासर होते हैं, जो इसको किसी न किसी तरह से सबाटाज करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमेशा आता रहता है, क्योंकि जब से डेमोक्रेसी बनी है, पार्टीज़ बनी है, एक पार्टी कोई सिटअप अच्छा लेना चाहती है तो दूसरी पार्टी जो होती है उसकी टांगें खींचती रहती है, ये तो होता रहता है। कुछ अनासर होते हैं समाज में जो इसको सबाटाज करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है जिस हिसाब से हमारे आवाम हमारे साथ है। ज़िला डोडा के तहसील कारह में एक खातून ने महकमा ब्लॉक के अफसरान और PRIs पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे बेटे के साथ एक साल से नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने कहा कि आला अफसरान तक भी उन्होंने अपनी बात पहुंचाई, मगर कोई टस से मस नहीं हुआ।
हमारे नुमाइंदे अरशद अयूब भट्ट से बात करते हुए खातून का क्या कुछ मजीद कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। चोरी मकलाओ लुकन वोक पे पा दुकान छटल मे वम कर लोको पकुत वेंडर बन अर्ध कार्ड से तम पता आन अगर चोरन तक मकलाव पान वो कर् जानवर खार बोर पांच नफर तमो अच्छा वन लग त्रो सा फाल सहल वेंडर से त्रो स पत् आव जार सोन सह लग वन यह कत करो वह त्रो तुहस अकाउंटस पाँच अकाउंट खुल ठाठ वन तुम करो अका पाँच दिजो सोरे मे कड़ क्या लग वन कि पाँच फाल त्रो यह पाँच वन त्रो तुझो मे कड़ मे वो बस कित दिमो सो लुकन पाँच से कड़ दपन ना सो दिजो मे कड़ बस मोकलो रफ गए तो तम बाद लग वन ना सा अस तुही निके आज क्या वनु तो तहसीलदार साहबन आज वो तहसीलदार साहबन बह सा कर सुबह इंक्वायरी तो मोन बो चुकमु जहरखाना तैयार तमें से सख्ती हम ना कम दिवन ना कुछ इस्तेमाल कर ना मे बचियन ना कुनी अस मुलाजमत यन कहसा यन कहसा आधार यन लेकिन आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील कर मे बचन गोजगुजार पथुन और सरपंच निम्बर इन गंक्वायरी जरूरी गई हुसैन गरूरी इंक्वायरी गई अगर सो सरपंच लेकिन तमें मे ये तमें देखभाल कर लेकिन बहुत शुक्रिया अदा कर पे तहरीर लिखित और जिला श्रीनगर के लाल चौक इलाके में एक्सचेंज रोड पर शबाना आतिशबाजी के वाकये में कम से कम 6 दुकानें खाकस्तर हो गई। जराए के मुताबिक मकामी दुकानदारों को आज सुबह आग के इस हवाले से मालूम हुआ है, जिसके बाद वो वहां पहुंचे लेकिन इन्होंने देखा कि उनकी दुकानें राख में तब्दील हो गई है। ताहिर अहमद नामी एक दुकानदार ने बताया कि मेरी डेंटिंग और पेंटिंग वर्कशॉप थी और मेरे तमाम मशीनरी बशमूल 10 लाख से ज़ायद मालियत के इलेक्ट्रॉनिक अशिया आतिशजदगी से तबाह हो गए। दरियाजना फायर इमरजेंसी सर्विस के एक अहदेदार ने बताया कि आग लगने के वाक़े की इतला उन्हें सुबह 2:50 के करीब मिली, जिसके बाद आग बुझाने के लिए 4 टेंडर भेज दिए गए, जबकि उन्होंने बताया कि आग से गाड़ियों के 4 वर्कशॉप शेड और 2 किरियाना की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। उनको हमने बैंक जो इनके बैंकर्स हैं उनके साथ भी हमने बात कर ली, आ रहे हैं, किसी मेरे ख्याल से मुतवक्का है कि जल्दी ही आ जाएंगे ताकि इनकी जो ये परेशानी इनको बहुत अफसोसनाक परेशानी है तो वो किसी हद तक दूर हो जाए। और हम 5 दुकानें यहाँ पर हैं और 5 दुकानें जलकर राख हो गया। टोटल कितने हैं? ये तो बोलते हैं बाहर की साइड है, वो भी खत्म। 7 दुकानें हैं तो कितना हमारी इस 5 दुकानों में से कम 20 लाख रुपए का नुकसान है। कोई नहीं आया हुआ है, इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं है। हम तो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हम दिन को कमा के शाम को खाते हैं, वैसे मतलब उतना हस्ती भी हम लोग है नहीं। 10-12 चूल्हे जलते थे यहाँ, हमारे 5 शॉप है, कम से कम 20 लोग यहाँ पे कमा के खाते थे शाम को। सुबह 6 बजे हमको कॉल आई तो आपके दुकानों में आ गए, रात को हमको पता ही नहीं, CRP वाले आ गए अभी, उन लोगों ने बोला 2 बजे डॉक्टर सामान अच्छे टोटली कहें अम पे खूज अच्छे CCTV फुटेज अच्छे यह हम 2 बजे रात शॉर्ट सर्किट लग भग 2 दुकान अंदर 5 दुकान नबी 2 दुकान अपील कम से कम मजूर पे शाम दो जाना शाम कराल खर्च क्या बेमार दर्द से ज्यादा दवा खर्च उ पेशेंट तुम गर्म इन सा जो दोस खर्च तुम करा गवर्नमेंट अपील अस कर मदद ना योर आना अटोच कहें क्या अनो सामान पुन करो बे पुन कार चालू। शुमाली कश्मीर जिला बारामूला के खोरी शीराबाद इलाके के लोगों ने आज हांजीवीरा से मागाम की सड़क की बदतरीन सूरत हाल को लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक जोरदार एहतजाज दर्ज किया। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमा PMGSY ठेकेदार का साथ दे रही है और अहम सड़क को नजरअंदाज कर रही है जो 2 अहम अजला बारामूला और बडगाम को मिलाती है। लोगों ने TRK न्यूज के नुमाइंदे अख्तर अली से बात करते हुए कहा कि हमने कई बार मुतलका महकमे को बताया कि इस सड़क की हालत खस्ता हाली है लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। एहतजाजियों का ये भी कहना था कि हाल ही में एक ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम भी हुआ था, वहां पर भी उन्होंने इस रोड के हवाले से बात की थी लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ा था। डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट किया, कोई इंक्वायरी नहीं बिठाई कि इस रोड को हार्डली 3 ही महीने में ये हालत क्यों हुई,
अगर एक मैगनमाइजेशन का रूल होता है 5 साल तक खाली मेंटेनेंस, 2 साल तक अगर पहली बार मैगडम करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि 3 महीने भी इस मैगडम में चला गया। आई थिंक अक्टूबर नवंबर में इसमें मैगनमाइजेशन हुआ था आज से 5 साल पहले, फिर मार्च में था ही नहीं कहीं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट नहीं देखती है। मैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि कोई ना कोई वे निकाले, ये रोड बना दे। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, जो G20 का मेन रोड है। देखिए, हम चेहरा बना रहे हैं, अंदर से अपने सारे चीज़ छुपा रहे हैं, वो गलत बात है। हमें भी इंसाफ दीजिए, हमारे रोड बनाइए। हम आपसे गुजारिश करते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा गांव है ये और फैसिलिटी भी बहुत है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर डॉक्टर साहब बैठते हैं, लेकिन रोड की हालत ऐसी है, बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाता है, मुलाजिमों को मुश्किल आना जाना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है उनको भी। हम कहते हैं बार बार, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार कहा कि ये रोड ठीक करो, क्योंकि ये 2 डिस्ट्रिक्टों को आपस में मिलाता है। टंगमर्ग भी जाते हैं इधर से, गुलमर्ग भी जाते हैं इधर से, ये रास्ता बहुत अहम रास्ता है। हमारी गुजारिश यही है कि ये इस रोड की तरफ जवाब ध्यान दे दो और ये मुकम्मल करो ताकि हमारे मुश्किलात हो जाए। जिला इंतजामिया बांडीपोरा की जानिब से ब्लॉक हाजन में डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन के इश्तराक से स्वच्छता कारवां आगाही प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस हवाले से जराए से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत बांडीपोरा का क्या कुछ कहना था, एक नज़र तो बताया जाए। जो हमारे मुलाजिम हैं, जो हमारे कंसर्न ऑफिसर साहिबान हैं, जो हमारे वीडियो साहिबान हैं, वो बताएंगे लोगों को कि स्वच्छता के मुतल्लिक एक पूरा बताएंगे कि स्वच्छता क्या है। स्वच्छता हुआ सफाई। अब सफाई हम लोग घरों में करते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट कैसे साफ रहेगा, तो उसी के मुतल्लिक हम ये आज का ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये हमारा आज लास्ट डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा का, और आज ये प्रोग्राम 10 डिस्ट्रिक्ट्स में होने के बाद आज यहाँ पे कंक्लूड हो। चाहे डोर टू डोर कलेक्शन करनी पड़े, चाहे हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टॉल करना पड़े, चाहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट या व्हीकल्स वेस्ट मैनेजमेंट, सबके लिए हमने सामान भी खरीदा है, तैयारी हमें की है, ऑलरेडी एस्टिमेट्स हैज बीन फ्रेम्ड आउट एंड वी विल बी बाय द एंड ऑफ द जून इट विल बी फुली फंक्शनल। रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम जो आज हमारे इसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में रूरल सैनिटेशन की तरफ से ये कारवां चल रहा है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ये कारवां चल रहा है, तो वी आर ऑन इट एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी लॉजिस्टिक सपोर्ट टू दिस कारवां टू मेक इट सक्सेस। थैंक यू। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजन की जानिब से नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले एक रैली निकाली गई, जो कि स्कूल से निकलकर मेन मार्केट हाजन में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान स्कूली तलबाओं ने अपने हाथों में बैनर लिए हुए थे, जिसके जरिए वो लोगों को नशे के बुरे असरात के बारे में जानकारी दे रहे थे, जबकि इस दौरान रैली में तलबा नारेबाजी भी कर रहे थे। जवान है, जो यूथ है वो इन्वॉल्व हो गए हैं ड्रग्स में ज्यादातर, तो इसलिए गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रही है। हम ये रैली का मतलब ये है कि हम इसका मकसद ये है कि हम लोगों को अवेयर करें, हम माँ बाप को भी इनके हिदायत देते, उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने माँ बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि आजकल के बच्चों वो देखना है कि किसके साथ उनका उठना है, किसके साथ बैठना है, ये सब माँ बाप को सोचना चाहिए, क्योंकि हमें ड्रग से दूर रहना चाहिए। आजकल का यूथ जो है, गवर्नमेंट भी कदम उठा रही है, लेकिन हमें हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, टीचर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बच्चों को इस ड्रग से दूर रखें। तो इसलिए हमने आज ये रैली निकाली है, तो इसलिए लोगों को अवेयर करें कि ड्रग्स के नुकसान क्या है, तो इसे हम। बटेगुंड वेरीनाग के किसानों ने महकमा बागबानी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि हालिया सालाबारी के बाद भी मुतलका महकमे की जानिब से उनके इलाके में कोई भी अफसर नहीं आया। उन्होंने कहा कि महकमा उनके सेब के बागात की परवाह नहीं करता है। जीएन टीम बराबर इन बागातन में बटगुंड के बागातन में तुम वन अत कस हालत वन बागन ये कि 10% चूंट वन कुलन पे कह तेजी कुलन हम खस्ताहली गोटे बजे यह गवर्नमेंटस कर आफात कालस मे दी कर मदद लुकन और इस गवर्नमेंट कंस हार्टिकल्चर लोन के सी लोन गरीब गुरबान इन बागात तम मदद जबरदस्त शीन सीन सी नुकसान तो डोट सी तो वाव त शीन पे मे वे पे सोरी पत्थर नोर आरु रूद क्या खेमो दह बोज क्या खेमो या लोन कर माफ या मदद कर मदद कर दिन तोमुल ट्रकस पे अन कहें मारन यहाँ कहीं तोमुल ट्रकस पे मे ट्रक ओट बोज पे
ییلہ نہ پتہ کن اس گزارہ تیوت کی تو بلائے وتھو ژونٹن ووٹن یون کی سی تور خدا صبن مکلو سی سور شہر رتن راشن نیر ست گئی ختم جناب وجہ شکر گزار یہ اگر تھی اتم مہربانی کری کی تھی کر اللہ تعالیٰ 162 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बांडी मोहल्ला हंदवारा में मुफ्त टीबी कैंप का अहतमाम किया गया, जिस दौरान कैंप का इफ्तिताह बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने किया। इस दौरान कैंप में दर्जनों मकामी लोगों का इलाज किया गया, जिनमें मुफ्त मुशावरत के साथ साथ मुफ्त अदवियात भी तकसीम की गई। फौजी है कोई सिविल है, ऐसा माहौल है यहाँ तो इस माहौल में रह के तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा सारा यहाँ ही हॉस्पिटल भी यहाँ ही है, अब दवाइयाँ भी यहाँ आने लगी। हम शुक्रिया करते हैं अपने कमांडेंट साहब का 162 और इनके बाकी जो अफसर साहिबान हैं उनका भी शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने यहाँ आयोजित जो आज किया है मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में हम आप लोग देख रहे हो जो अभी कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ का अभी मुआयना हो रहा है, तो इट्स अ वेलकम सिटर। मुख्य टारगेट होता है वो होता है हमारे बुजुर्गवार और वो गरीब लोग जो कि दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बुजुर्ग के साथ साथ जो महिलाएं जो घर में ज्यादातर आप कहें कि पूरे दिन उनका वक्त जो है परिवार को संभालने में जाता है, तो उनको हम टारगेट करके और खास करके रूरल पार्ट में ज्यादा फोकस करते हैं कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसी मकसद के साथ, इस पाक मुकद्दस के साथ में हमने ये मेडिकल कैंप लगाया। नाज़रीन, इसी के साथ उर्दू खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।